फीमेल्स के अंदर ओजेनेसिस की प्रोसेस फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाती है, मतलब जब कोई फीमेल फीटस उसकी मामा की वूम में होता है उसी टाइम उसकी ओवरीज के कॉर्टेक्स वाले रीजन में फीमेल गैमेट मदर सेल्स मतलब डिप्लॉइड ओगोनिया माइटोसिस कर करके ढेर सारे ओगोनिया बना लेते हैं। डिप्लॉइड ओगोनिया डिफरेंशिएट होता है इनटू प्राइमरी ओसाइट जो डिप्लॉइड है। ये सारा काम फीटल लाइफ से लेकर बर्थ तक चल रहा है। देन बर्थ से लेकर पूरे चाइल्डहुड के दौरान प्राइमरी ओसाइट अरेस्टेड रहता है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। फिर प्यूबर्टी आने पर प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस 1 कंप्लीट होता है और सेकेंडरी ओसाइट बनता है जो हैप्लॉइड है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है जो डीजनरेट हो जाती है। अगर सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म ने आकर फर्टिलाइज किया तो वो कन्वर्ट होता है इनटू ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। अदरवाइज सेकेंडरी ओसाइट अरेस्टेड रहता है मेटाफेज 2 में और ओवम के न्यूक्लियस और स्पर्म के फ्यूजन से ही फर्टिलाइजेशन होता है और फिर एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है।